आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMG न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में आने वाले नगला बरी गांव में प्रधानपति की दबंगई से हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने के एवज में प्रधानपति मोटी रकम की मांग कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रधानपति की दबंगई की चरम सीमा इस कदर गाँव में हावी है कि वह खुलेआम यह कहता है कि जिसने उसको वोट दिया वह उसी को आवास देगा। सब कुछ सामने होते हुए भी अधिकारी मौन बैठे हैं और गाँव की 50% आबादी अभी कच्चे घरों और चौपड़ियों में निवास कर रही है। क्या कारण रहा जो आपको अब तक आवास नहीं मिल पाया? देता कुछ ना देता, मैं क्यों दें? कहीं भी नहीं जो कहीं दे दे, मैं 30,000 रुपया देता नहीं है। कहीं खेती टोकर गया है ना, मेहनत मजदूरी बिना घूमी है हम। खेती टोकर गया है ना तो ऐसा ना जो हम कर कर दिए, हम मेहनत मजदूरी कर लिया थे तो खा लेते हैं, तो बहु बाल बच्चा बैठे रहते हैं हमारे। तो इस संबंध में जब आप प्रधान के पास जाती हैं तो प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान जो कह देते कि भाभी हम 30,000 रुपया लिया तब तुम्हें हम दिए कॉलोनी, हम कहाँ तो नहीं, हम पेट पालिए कम भी नहीं के दिए। दादा में 6 बच्चा है, हम कैसे दिए हैं बताइए। साहब जो है शौचालय प्रधान तक गए कई मिल जा लिस्ट में ही नाम नहीं, और शौचालय हमारा अभी तक बंद ही ना। साहब गरीब आदमी हम, बिना भूमि आदमी हम जी, और साहब प्रधान पैसा मांगता है, साहब मेरे पास है ना इतने देने को, 20,000 रुपया मांगता है। अच्छा, प्रधान आपसे 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है, इस संबंध में आप कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं प्रधान के? हम बहुत दिन से साहब, तभी तो प्रधान बहुत तब से ही काट रहे हैं उनके पास। अच्छा, जब तो मने करते ही हमसे हमने देना है भी, तब मैंने तो कॉलोनी नहीं मिलेगी। मेरी समस्या यही है, एक पैसे का अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, न होने वाला है, बिल्कुल करते नहीं है काम, और पैसा निकाल लेते हैं, सेक्रेटरी वगैरह सब मिले हुए हैं, और जो पैसे वाले हैं उन्हीं के शौचालय और आवास वगैरह सब उन्हीं को मिल रहा है। गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है।